भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। पृथ्वी माता, नारायण नारायण। पृथ्वी माता, आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? विलाप न करूं तो क्या करूं देवर्षि नारद? पृथ्वी लोक पर मानव ही मानव के रक्त के प्यासे हो गए हैं। अन्न और भोज्य पदार्थ के अभाव के कारण मानव ही मानव भक्षी हो गए हैं। अधर्म का ऐसा नंगा नाच मैं कभी सह नहीं सकती देवर्षि नारद। नारायण नारायण। माता, यह स्थिति केवल पृथ्वी लोक में ही नहीं, अपितु समस्त ब्रह्मांड की यही स्थिति है। आप तो परम विदुषी हैं पृथ्वी माता, क्या आपको यह ज्ञात नहीं कि इस संसार में व्याप्त समस्त माया प्रथम पूज्य श्री महागणेश की लीला है? वे अपनी इच्छा से संसार की रचना करते हैं और केवल अपनी इच्छा मात्र से ही इस संसार के अंत के सूत्रधार बनते हैं। नारायण नारायण। तो क्या अंत काल आ गया है? इसे तो एक ना एक दिन आना ही था माता। ब्रह्मांड में होने वाली समस्त घटनाएं महाप्रलय का ही संकेत दे रही है। ये विधि का अटल विधान है, इसमें चिंता कैसी, ये प्रलाप कैसा है? अब हम सब प्रथम पूज्य श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में रहकर मनवंतर की इस महाप्रलय के साक्षी बनेंगे। नारायण नारायण।
ऋषि के चरणों में प्रणाम। मैं भक्ति हूँ, संपूर्ण भगवान परम देव श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में निवास करने वाली भक्ति, और मैं तुम्हें भक्ति के मार्ग तक पहुंचाने वाली पूजा हूँ। श्री महागणेश जब अपनी इच्छा मात्र से अपने लीला संसार को समेट लेते हैं, तब हम उन्हीं के हृदय प्रदेश में आश्रय पाते हैं। परम देव श्री महागणेश के हृदय प्रदेश में आश्रय पाकर ही हमने सृष्टि के इस काल चक्र को भली भांति देखा है। महाप्रलय के अनंत कालों के पश्चात आज हमने परम देव श्री महागणेश के इच्छा प्रदेश में नवीन सृष्टि संरचना की इच्छा का अनुभव किया। तो आइए हम त्रिदेव, देवर्षि नारद तथा सप्त ऋषियों से प्रार्थना करें कि हम सब मिलकर परात पर ब्रह्म पंचमुखी परम देव श्री महागणेश का आह्वान कर इस मन्वंतर की घोर अंधकार रूपी कालिमा और सन्नाटे को चीरने के सूत्रधार बने। समय हो दाता, कुल सृष्टि का सर्जन करते तुम
प्रलय हो दाता, काल चक्र की ताल है तुमसे हो, काल चक्र की ताल है तुमसे, तुम सुर लय हो दाता। ईश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविट्ठाय महागणेश, महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए, महिमा तुम्हारी हम गा पाए, देव कहाँ से शब्द बुलाए। ईश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविट्ठाय महागणेश, देवेश्वराय महाबलाय महागणेश, विश्वमुखाय महाविट्ठाय से उत्पन्न हुए इस संसार में आश्रय पाने वाले प्राणियों, तुम्हारा यह संसार मेरी लीला मात्र है। मैं इस संसार का आदि, मध्य तथा अंत से रहित प्रथम पुरुष पुरुषोत्तम, प्रथम पूज्यवर महागणेश हूं। हे मुझ अविघ्नेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए प्राणियों, तुम अपना जीवन मोह माया मद लोक अहंकार से विमुख कर प्रेम धर्म सत्य अहिंसा सदाचार के शुभ कार्यों द्वारा मुझे समर्पित करो। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, परम देव श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, परम देव श्री महागणेश की जय, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की जय, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की जय, परम देव श्री महागणेश की जय। परम देव श्री महागणेश की कृपा से इस नवीन मनवंतर का प्रारंभ हुआ। परम देव श्री महागणेश की इच्छा मात्र से उत्पन्न इस नवीन संसार में नवीन श्री महागणेश लीला का उदय हो रहा है। परम ज्ञानी परम विद्वान सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का मन अभिमान से उत्तेजित हो रहा है। हम ब्रह्मा है ब्रह्मा, सृष्टि के रचनाकार, प्राणियों के भाग्य विधाता, परमपिता ब्रह्मा। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। 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 हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। सर्वपूज्य हैं। ये संसार हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का अहंकार अनुचित है। स्वयं मेरे नाभि कमल से आकार प्राप्त करने वाले ब्रह्मा, क्या ये भूल गए कि सृष्टि के मूलाधार श्री महागणेश हैं? हम ब्रह्मा है ब्रह्मा,
अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। अहंकार के दुष्प्रभाव से सृष्टि के अटल सत्य को स्वयं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का भी भूल जाना स्वाभाविक ही है। इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, हम सर्वपूज्य हैं। इस संसार को हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अहंकारी संवाद, सृष्टि के मूलाधार प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। ब्रह्मदेव के अहंकार से सत्य धूमिल होने लगा है, असत्य जगमगाने लगा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म को शक्ति प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ब्रह्मदेव। परिणाम की चिंता ब्रह्मदेव को नहीं, परीक्षा और परिणाम तो हम निर्धारित करते हैं। हम ब्रह्मा हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। धन ब्रह्मा, धन सृष्टि का रचनाकार, हम दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण करेंगे। कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ, हम से श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। Thank you.